हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को HTML में यूज़ कैसे करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं H2। हेडिंग में लैंग्वेज फॉर कोडिंग, लैंग्वेज फॉर कोडिंग। इसके बाद ओएल टैग ओपन करेंगे, ओपन करा इसके अंदर एल आई टैग में कौन कौन से लैंग्वेज, एक तो पाइथन डाल देते हैं, पाइथन इसको रेप्लिकेट कर लेते हैं तीन बार, पाइथन, जावा और ये एचटीएमएल। अब इसके बाद एक और हेडिंग खोल लेते हैं यूएल टैग के लिए, क्या ब्रांड्स। अब यूएल टैग ओपन, देन एल आई टैग इसके अंदर टाटा रेप्लिकेट, एप्पल एप्पल माइक्रोसॉफ्ट। इसके बाद यूएल टैग क्लोज, एक बार आउटपुट देख लेते हैं कंट्रोल एस, यहाँ पे फाइल सेव करें, वहाँ पे ओएल देखो ये आ तो रहा है, पर मैं नहीं चाहता कि ये 1 2 3 4 आ और ये डॉट डॉट आ, तो इनको हटाने के लिए एक एट्रीब्यूट होता है, तो वो एट्रीब्यूट का नाम है टाइप। तो टाइप एट्रीब्यूट लगाया इसमें, देखो VS कोड पहले से प्रोवाइड करता है कौन कौन से लगाने, एक तो 1 A कैपिटल, A स्मॉल, A रोमन का कैपिटल स्मॉल, तो मैं डाल देता हूँ कैपिटल A। इसको सेव करते हैं, रिजल्ट देखते हैं, ये ABCD आ गई और मैं चाहता हूँ इसमें भी हो, तो इसमें भी टाइप एट्रीब्यूट इक्वल्स टू, इसमें चार प्रकार के होते हैं, चार टाइप्स होते हैं, एक तो स्क्वायर, सर्कल, डिस्क और नन, तो अपन स्क्वायर डाल देते हैं, स्क्वायर कंट्रोल एस, रिफ्रेश, ये स्क्वायर आ गया। और वैसे ही और सर्कल भी डाल के देखते हैं एक बार, सर्कल कंट्रोल एस, यो हॉलो सर्कल आ गया। और डिस्क में रिफ्रेश, ये ऐसा आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।